लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। बाद लोग कहते हैं इस्लाम अलैकुम, इस्लाम तो इस्लाम है। सलाम करना ये तो बहरहाल सुन्नत भी है, ज़रूरी भी है, बड़ी प्यारी सुन्नत है, और जवाब देना वाजिब है, सलाम का जवाब। और सलाम भी अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। बाद लोग कहते हैं इस्लाम अलैकुम, इस्लाम तो इस्लाम है। ये है अस्सलामु अलैकुम, इतना तो कहा जाए। और आगे हिम्मत हो और ज़्यादा सवाब चाहें तो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये भी कह दें। तो ये है सलाम का तरीक़ा। और अस्सलामु अलैकुम का तर्जुमा करने की इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान में, भारत में बिगड़े हुए जितने भी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में, वहाँ भी बहुत बिगड़े हुए हैं, और उन्हीं के बिगड़े हुए शाख पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे कराची में है, क्योंकि कराची में यूपी वाले ज़्यादा रहते हैं। तो हिंदुओं से डर के या मरऊब हो के वो क्या कहते हैं, तस्लीमात। तस्लीमात क्या बला है, सलाम का बदल नहीं है। और वो और उससे ज़्यादा बिगड़े में हो तो कहते हैं आदाब, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज। ये सब शायराना तरीक़े हैं। न तस्लीमात कहना जायज़ है, न सलामत बाशद फ़ारसी में लिख देते हैं, ये साबित नहीं है। साबित क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसके अलावा जितने गुड मॉर्निंग वगैरह तो खैर है ही, गैर मुस्लिमों का तरीक़ा। हाँ, अरबी में अक्सर कह दिया जाता है सबाह अल खैर, वो एक दुआ है। सलाम के बाद अगर कह दें कि सबाह अल खैर या सुबह बखैर तो कोई हरज नहीं है। तो खैर, मैंने अर्ज़ किया कि सलाम करना तो सुन्नत है और बड़ी प्यारी सुन्नत है, और जवाब देना वाजिब है।